खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह सिद्धार्थनगर द्वारा निरीक्षक राजेश कुमार गुप्ता प्रभारी निरीक्षक को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। और अयोध्या से है, जहां रामनगरी में पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गई है। बता दें कि श्रद्धालु रामनगरी के पंचकोसी की परिक्रमा करेंगे। 15 किलोमीटर लंबी यात्रा कर श्रद्धालु रामलला का आशीर्वाद लेंगे। अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में भगवान श्री राम जी का प्रतिष्ठा शुरू हो गया। एकादशी 12 बजे से लग चुका है। सभी तीर्थयात्री अयोध्या में लाखों के संख्या में श्रद्धालु आकर के सरजू स्नान करके रामलला का दर्शन करके 14 कोस और आज एकादशी के दिन 5 कोस का परिक्रमा करके अपने जीवन को धन कर रहे हैं। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन के अंदर में जो व्रत रह करके अयोध्या श्री राम जी का परिक्रमा करते हैं 84 लाख जीवनी से मुक्ति हो जाता से अयोध्या तपोभूमि है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर राम जी का परिक्रमा करने रामायण में लिखा हुआ है कि कोट कल्प काशी बसे मुत्रा कल्प हजार और एक निमित्त सरयू बसे तुले न तुलसीदास। इस दरबार में आ जाने से अयोध्या नगरी में एक पलक भी सरजू जी का दर्शन हो गया। स्नान तो बहुत दूर की है, एक पलक भी सरजू जी का दर्शन हो गया कोटो जलम का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए तीर्थ पुरोहित समाज सरजू नदी से लेकर के पूरे अयोध्या में राम सेवा कर रहा है। सभी तीर्थयात्री को पंचकोस एकादशी का बधाई हो और अयोध्या आकर के भगवान श्री राम का एकादशी का परिक्रमा करके अपने जीवन को धन बनावे। तीर्थ पुरोहित समाज के ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। जय श्री राम। हम राम भक्तों को सुविधा यही देंगे कि जो बाहर से राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या के नाम पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर अपने घरों के अंदर हृदय में राम जी की इच्छा लगा के अपने सुख दुख में राम को याद किए, आज अयोध्या में जब भगवान उनको बुलाते हैं परिक्रमा करने आते हैं, तो हमारा एक उपदेश बनता है कि जो बाहर से राम भक्त हमें किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमारी पंडा बिरादरी के सब पुरोहित बिरादरी के अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग परिक्रमा रोड पर इनका घर बना हुआ है। ऐसा बहुत सारे हमारे बिरादरी के कुछ लोग हमसे कहे कि हम अपने दरवाजे पे ही जलपान का व्यवस्था करेंगे। बहुत से लोग नगर के चारों तरफ परिक्रमा रोड में घर है, अपने दरवाजे पे जलपान की व्यवस्था करेंगे। बाकी कुछ लोग हमारे टीम के साथ इकट्ठा होकर के एक जगह जो है जलपान की व्यवस्था सबके सामूहिक रूप में रखी जाएगी। ऐसा सब लोग का परिक्रमा में सुविधा दिया जाएगा। 14 कोसी में भी जलपान व्यवस्था टीम हमारी करी है और उसमें भी प्रसाद वितरण हुआ है। इसमें भी प्रसाद वितरण होगा, जलपान का सुविधा होगा। आए हुए सभी राम भक्तों को भगवान रामचंद्र जी मनोकामना पूरी करें, उनकी परिक्रमा पूरी हो। योगी जी ने मोदी जी ने बहुत सुविधा दे रखा है। राम पैड़ी के ऊपर हमने देखा है जो भीड़, सरजू नदी के ऊपर जो देखा है भीड़, हिंदुओं का राम भक्तों का जो मन की अंतर आस्था थी उनकी सैलाब, बढ़ चढ़ के लोगों ने लिया हिस्सा। हमेशा से 2 गुना ज़्यादा भीड़ था। आपकी बार बहुत ज़बरदस्त परिक्रमा था और हमको यही लग रहा है पंचकोसी परिक्रमा बहुत ज़बरदस्त होगा। और ऐसी भीड़ में जिला प्रशासन ने अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी है। हम जिला अधिकारी कमिश्नर महोदय DM महोदय सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। सब ने अपना अपना जिम्मेदारी निभाया। महापौर जी